गुलबर्गा शहर के मशहूर इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से इस साल 2024-25 में इनोवेटिव इंटरनेशनल पीयू कॉलेज स्टार्ट किया गया है। इनोवेटिव इंटरनेशनल पीयू कॉलेज गुलबर्गा शहर का पहला ऐसा कॉलेज रहेगा जहां आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन के साथ करियर ओरिएंटेड फैसिलिटीज दी जाएगी। कॉलेज के प्रेसिडेंट एंड फाउंडर जनाब जमीर अहमद ने बताया, इस साल सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम दिया है, जिसमें सिर्फ 100 के करीब स्टूडेंट्स ने बेहतर रैंक लेकर आए हैं। बाकी तमाम स्टूडेंट्स अब आगे किस तरह हायर एजुकेशन हासिल करेंगे, कौन सा कोर्स इनके लिए बेहतर रहेगा, क्या प्लानिंग तमाम स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, इस पर फोकस करना जरूरी है। इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए करियर ओरिएंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग के अलावा लॉन्ग टर्म नीट ट्रेनिंग, जेईई, सीईटी और सीएस जैसी ट्रेनिंग भी इनोवेटिव इंटरनेशनल पीयू कॉलेज के जरिए दी जाएगी। अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन पीयू कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स में करवाना चाहते हैं तो अलखमर नर्सिंग कॉलेज के करीब मिल्लत नगर कपनूर एरिया में मौजूद इनोवेटिव इंटरनेशनल पीयू कॉलेज को विजिट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। इनोवेटिव इंटरनेशनल CBSE स्कूल, साथ ही साथ इनोवेटिव इंटरनेशनल PU साइंस कॉलेज भी इंशाल्लाह इस एकेडमिक ईयर 2024-25 से शुरू कर रहे हैं। ये इसकी खासियत ये है कि एक कैरियर ओरिएंटेड PU कॉलेज रहेगा, गुलबर्गे का पहला PU कॉलेज जहां पे करियर पे फोकस किया जाएगा बच्चों के लिए। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। इस ईयर 25 लाख स्टूडेंट्स इंडिया में नीट का एग्ज़ाम लिखे हैं। सिर्फ गुलबर्गा में 1,43,000 गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में लिखे हैं। जहां तक का नीट का रिजल्ट अगर देखा जाए तो 500 मार्क्स नीट में लाने वाले 100 से कम स्टूडेंट्स रहेंगे। बाकी के बच्चों का क्या, जो 1.5 लाख में से सिर्फ 100 बच्चे मेडिकल हासिल किए, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका करियर क्या हो रहा है, what they are selecting, which courses they are going, how they are getting opportunity for their higher studies. इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनोवेटिव इंटरनेशनल PU कॉलेज में करियर ओरिएंटेशन के साथ स्पेशल स्पीच और पब्लिक स्पीकिंग के साथ नए अंदाज में PU कॉलेज में सिखाया जाएगा और लॉन्ग टर्म नीट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, IIT JEE की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा जो नया कैंपस 3 एकड़ का कैंपस, वहाँ पे इनोवेटिव इंटरनेशनल PU साइंस कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज रहेगा। हम सारे पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि वो आके स्कूल के डिटेल्स को पहचानें, स्कूल के मैनेजमेंट से डिस्कस करें आपके बच्चे के फ्यूचर के ताल्लुक से, PUC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। साथ ही साथ हमारा जो नया 3 एकड़ का कैंपस जहाँ पे CBSE के लिए हमने प्रपोज कर रखा है, उस कैंपस के एडमिशन्स के लिए भी आप आके देख सकते हैं। ये दोनों जो नए हमारा इस ईयर का जो वेंचर्स हैं, एक यूनिक वेंचर्स जहाँ पे गुलबर्गा शहर के लिए एक बेहतरीन मौका है वालिदैन के लिए कि वो इस तरह के यूनिक स्कूल्स में अपने बच्चों को एडमिशन कराएं ताकि उनका फ्यूचर बेहतरीन रहे। उसी के साथ साथ इनोवेटिव इंटरनेशनल PU कॉलेज इस ईयर से हम एडमिशन शुरू कर चुके हैं साइंस और कॉमर्स के लिए। साइंस में हम एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। सारे बच्चे सिर्फ नीट पे फोकस्ड चल रहा है, जहाँ पे अगर आप उसका स्टेटिस्टिक्स देखेंगे 25 लाख बच्चे पूरे हिंदुस्तान में लिख रहे हैं एग्ज़ाम, उसमें से सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से 1.5 लाख स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 100 बच्चे ही 530 का स्कोर करेंगे, उसको फ्री सीट मिलेगी, बाकी के बच्चे जाएंगे कहाँ। तो हमारा की फोकस रहेगा कि बच्चों को हम जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करियर बेस्ड PUC करवाएंगे। ये दोनों कोर्स में रहेगा, साइंस और कॉमर्स में भी। हम चाहते हैं कि सारी वालिदैन अपने बच्चों के साथ आएं और डिस्कस करें। उसी के साथ हम जो है आने वाले दिनों में एक वर्कशॉप रखेंगे, करियर ओरिएंटेड PU क्या होता है, कैसे बच्चों को अर्ली करियर सिलेक्शन करना है और आगे आने वाले कोर्सेज को वो कैसे कर सकते हैं, ये बच्चों को PUC में ही डिसाइड करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में इनोवेटिव इंटरनेशनल PU कॉलेज एक नए अंदाज से शुरू हो रहा है। हम सारे वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और आके जो है अपने
बच्चों से और अपने स्कूल के मैनेजमेंट से डिस्कस करके सारे तफसीलात को जान लें और नीचे दिए गए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें एडमिशन्स के लिए। एडमिशन शुरू हो चुके हैं साइंस और कॉमर्स और साथ ही साथ CBSE प्रपोज्ड आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में भी। आइए, थैंक यू, जजाकल्लाहु खैर।